सो अगर आपको भी माइनक्राफ्ट में बिल्ड बनाने हैं कस्टम टाइप के, जैसे इंडियन फ्लैग हो गया, एक क्रीपर चार्ज का हो गया, और आप कस्टम अपने टाइप का डिजाइन दे सकते हो इस शील्ड पे, तो ये करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना होगा, और इस वीडियो के एंड होने तक आप पूरी तरीके से सीख जाओगे कि आप एक कस्टम शील्ड कैसे बना सकते हो, और ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। सो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वैसे मेरा फेवरेट इंडियन वाला ही है। सो अगर आपको कस्टम शील्ड बनाना है तो नॉर्मल प्रोसेस तो आपको पता ही, अगर आप सर्वाइवल में हो तो लकड़ी वकड़ी काट के थोड़ा बहुत रिसोर्सेज कलेक्ट करना पड़ता है। सो मैं उन सब चीज़ों पे नहीं जाऊंगा, मैं सीधा क्रिएटिव बनाने वाला हूं। तो उसके लिए चाहिए होगा आपको क्राफ्टिंग टेबल, ये बहुत मस्ट है, जैसे एक क्राफ्टिंग टेबल ले लिया, और एक लूम बहुत ज़रूरी है। सो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो पहले आपको क्राफ्टिंग टेबल बैठा लेना है और एक शील्ड बनाना है। तो शील्ड बनाने का तो रेसिपी आपको मालूम ही होगा, पहले आपको ये बहुत सी लकड़ी का ये प्लैंक बना लेना है, फिर आपको अपना रेसिपी डालना है ऐसे, और एक आयरन लगता है ऐसे। तो ये बना लिया मैंने शील्ड। अब शील्ड बनाने के बाद चाहिए होगा आपको एक बैनर, तो मैं एक वाइट कलर का बैनर बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं पैटर्न डालने वाला हूँ। सो ये बना लिया मैंने वाइट कलर का बैनर। सो गाइस, तो मैंने शील्ड और बैनर दोनों बना लिया है। अब बस क्या करना है पता है, दूसरे स्टेप में हमें इस वाइट बैनर पे ना बहुत से पैटर्न डालने अपने हिसाब से, और उसी पैटर्न को अपने शील्ड पे ट्रांसफर करना है क्राफ्टिंग टेबल के जरिए। सो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ आगे का, बस फॉलो करते रहो। तो बैनर के ऊपर पैटर्न लगाने के लिए आपको एक लूम चाहिए होगा। लूम मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ, इसका मैं क्राफ्टिंग रेसिपी आपको शो कर दूंगा स्क्रीन पे, देख लेना। तो यहाँ पे मैंने लूम बैठा दिया, अभी आपको डालना है इसके अंदर अपना वाइट बैनर, यहाँ पे कोई भी कलर का डाई है जो आपके पास डाल दो ऐसे, और यहाँ पे बहुत से पैटर्न आ जाते हैं। सो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मुझे बॉर्डर डालना है तो बॉर्डर डाल सकते हो, या ब्लैक डाई से कुछ करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। और ये जो है ना बैनर पैटर्न, ये भी बनाना आपको सिखा दूंगा मैं कैसे बनता है। तो ये बैनर पैटर्न को अंदर डालोगे, ये क्रीपर का बैनर पैटर्न है, तो मैं इसको डालूंगा तो क्रीपर का फेस आ जाता है। तो इसको बनाने का एक सिंपल स्टेप है, आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको क्रीपर का हेड चाहिए होता है, अगर क्रीपर का ही बनाना है तो। जैसे मैं हेड सर्च करूँगा तो ये लिया मैंने, जैसे क्रीपर का हेड ले लिया, एक जोम्बी का हेड ले लिया, और पेपर चाहिए होता है तो पेपर भी मैं ले लेता हूँ। पेपर, ये रहा पेपर, बहुत से पेपर ले लेते हैं। सो ये ले लिया मैंने पेपर। तो उसके लिए आपको बस क्रीपर का हेड डालना है और नीचे पेपर डालना है, तो आपका बन जाएगा क्रीपर चार्ज। अगर आपको जोम्बी के हेड के साथ कुछ करना है तो ये भी कर सकते हो। अबे जोम्बी के साथ नहीं होता क्या? नोप। तो आप बैनर पे कस्टम डिजाइन देना है, तो उसके लिए एक वेबसाइट है, तो मैं उस वेबसाइट पे जाऊंगा और एक सिंपल सा डिजाइन बनाऊंगा जिससे ये काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सो चलो चलते उस वेबसाइट पे, हमें बस माइनक्राफ्ट टूल्स पे जाना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी यहाँ पे हमें बनाना है एक कस्टम शील्ड, तो यहाँ पे एक शील्ड क्राफ्टिंग पे जाएंगे और यहाँ पे हम कैसा भी एक कस्टम शील्ड बना सकते हैं, इससे प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जो शील्ड मैंने अपने हाथ पे पकड़ा था उसको बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो हमें चाहिए एक पैटर्न डालना है इसके अंदर, तो पैटर्न में हमें एक कुछ भी ग्लो चाहिए, जैसे ये कलर का है तो मैं इसमें डालूंगा पर्पल। हाँ, पर्पल मस्त लगेगा। सो एड अ पैटर्न, तो एक दूसरा पैटर्न आ जाएगा। तो पहला पैटर्न हमने दे दिया ऐसा, अब दूसरा पैटर्न देना है हमें क्रीपर जैसा कुछ फेस। तो ये सिलेक्ट किया मैंने क्रीपर का फेस, तो ब्लैक में ही सही लगेगा, तो ब्लैक में रहने देते हैं। एक दूसरा पैटर्न देते हैं जो तीसरा पैटर्न रहेगा हमारा, तो तीसरा पैटर्न नीचे से ग्लो इफेक्ट देंगे पर्पल या मैगेंटा, पर्पल ही रखते हैं। हाँ, तो पर्पल ही रखते हैं। एक दूसरा एक इफेक्ट देते हैं, तो इसमें एक बॉर्डर डालूंगा मैं। तो ये रहा बॉर्डर, बॉर्डर का कलर पर्पल, हाँ पर्पल ही रखते हैं बॉर्डर का कलर भी। सो ये पैटर्न डाल दिया मैंने, चार पैटर्न काफ़ी लग रहे हैं। सो अभी हमें बस क्राफ्ट शील्ड पे टिपना है और यहाँ पे हमें एक एक रेसिपी पता चल जाएगा ऐसा, जो हमने शील्ड बनाया वो कैसे बना सकते हैं। तो पहले हमें शील्ड बनाना है, फिर एक बैनर बनाना है, फिर बैनर को डालना है लूम में, फिर उसमें पर्पल डाई डालना है, फिर ब्लैक डाई डालना है, और उसके साथ बैनर पैटर्न डालना है क्रीपर का, फिर अगला स्टेप होगा पर्पल डाई का, फिर डालना है पर्पल डाई, फिर ऐसे जैसे आप करते जाओगे बन जाएगा, फिर लास्ट में आपको शील्ड को और इसको कंबाइन करना है, तो आपका शील्ड रेडी हो जाएगा। सो चलो चलते हैं वापस से माइनक्राफ्ट में। हाँ, तो मैं आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट में, और चलो वो वाला शील्ड जो मैंने दिखाया आपको वेबसाइट पर वो बनाने की ट्राई करते हैं। तो पहले डालते वाइट शील्ड, अभी मैंने डाला पर्पल का, बहुत कम है। हाँ, तो बहुत सारे एक्सट्रैक्ट कर लिया मैंने, तो पहला स्टेप क्या था मैं भूल गया। तो पर्पल को डालना है ऐसे, और हमें जो ग्लो चाहिए था ना ले लेते हैं। हाँ, ऊपर से नीचे आने वाला ग्लो था, ये बैनर बना लिया मैंने।
अभी हमें चाहिए क्रीपर का कुछ फेस, तो क्रीपर का फेस के लिए वो चार्ज डालते हैं यहाँ पे, ये रहा क्रीपर का फेस। अब यहाँ पे जैसा बैनर में दिख रहा है ना गाइज, आपको वैसा नहीं होने वाला शील्ड पे, बहुत चेंज हो जाएगा, बस देखो बैनर में देखने में बस ख़राब लगता है। तो अभी फिर पर्पल डाई डालते हैं और नीचे से ग्लो लाना है हमें, तो ये देखो नीचे से ग्लो आ रहा है। हाँ तो ये मैंने बनाया, और अभी एक बॉर्डर लगाना है हमें, तो बॉर्डर कहाँ गया, ये रहा बॉर्डर। तो देखो यहाँ पे देखने में बहुत भद्दा लग रहा है, बट हमारा शील्ड पे बहुत मस्त हो जाएगा ये। तो ये मैंने बना लिया, अभी आई गेस से पूरा कंप्लीट हो चुका है बैनर हमारा, चार लेयर हमने बनाया है इसका। तो अभी हमें जाना है क्राफ्टिंग टेबल पे, इसको रखना है ऐसे और एक नॉर्मल शील्ड को रखना है ऐसे, और ये हमने कंबाइन किया और बन गया हमारा कस्टम शील्ड। सो गाइस, तो इसी तरह मैंने बना लिया एक कस्टम शील्ड। एक और शील्ड बनाने की ट्राई करते हैं, चलो यहीं पे बनाते हैं वेबसाइट के ऊपर जाए बिना। तो इसके लिए हमें बहुत से अलग अलग डाई लगेंगे, तो वाइट डाई ले लेता हूँ मैं, एक ऑरेंज डाई लगेगा मुझे। अब ये तरह मैं क्या बनाने वाला हूँ, ये ऑरेंज डाई मैंने, एक ग्रीन डाई लगेगा मुझे, ग्रीन, ये होता है ग्रीन डाई। चलो तो एक बनाते हैं मस्त सा, तो उसके लिए एक बैनर भी लगता है भाई, बैनर बना लेते हैं पहले। ये डाला मैंने उल, ये डाला स्टिक, ये बन गया बैनर। सो बैनर को डालते हैं इसके अंदर, तो अभी हमें डालना है ऑरेंज डाई पहले। तो ऑरेंज डाई डाला और एक इंडियन फ्लैग बनाते हैं हम, कैसा बनता है देखते हैं। तो ये बना लिया हमने, और बीच में हमें वाइट चाहिए होगा कलर, तो वाइट डाई डाला मैंने। और बीच वाला कहाँ गया पैटर्न, अबे ऊपर में ही रहता है, हाँ ये, तो ये बना लिया मैंने। अभी हमें चाहिए ग्रीन डाई, ग्रीन डाई यहाँ पे ऐसे, हाँ तो ये बन गया हमारा। अभी हमें बीच में ब्लू डाई चाहिए, अभी ब्लू डाई लाना ही भूल गया मैं, ब्लू सर्च कर लेते हैं ना, ब्लू डाई, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू दोनों ले लेते हैं। अबे रात हो गया, दिन कर लेता हूँ स्लैश टाइम से, अबे यार लैंड में कूदना पड़ता है। सो गाइस, तो झंडा हमारा लगभग रेडी हो गया, एक जो चक्र होता है ना वो डालना है हमें, दिन तो हो गया है। सो ये डाला मैंने झंडे को यहाँ, और यहाँ पे एक डाई डालते लाइट वाला, और बीच में कुछ डालते पैटर्न ये वाला, हाँ ये सही लग रहा है। और डार्क ब्लू से कैसा लगेगा देखते हैं, हाँ डार्क ब्लू वाला ज़्यादा सही लग रहा है, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसको डालेंगे अपने शील्ड में। तो शील्ड खत्म हो गया यार, शील्ड बना लेते एक, तो ये बना लिया मैंने शील्ड। अभी हमें शील्ड को रखना है ऐसे, ये रखना है ऐसे, और ये बन गया हमारा इंडियन फ्लैग का शील्ड। ये देखो गाइस कितना मस्त लग रहा है। सो उस वेबसाइट पे वापस चलते हैं, वहाँ पे बहुत से अलग अलग आइडियाज़ भी रहते हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं ख़त्म करूँगा इस वीडियो को। हाँ तो मैं आ चुका हूँ उस वेबसाइट पे, अगर आपको कस्टम नहीं बनाना है तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है, आप यहाँ पे शील्ड का लाइब्रेरी होता है, वहाँ पे आप जा सकते हो, व्यू द शील्ड लाइब्रेरी। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के बहुत से आपको दिख जाएंगे पैटर्न, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसको बनाने का पूरा प्रोसेस यहीं पे मिल जाएगा आपको। तो ऐसे करके आपको बहुत से आइडियाज़ मिल जाएंगे इस वेबसाइट पे, नहीं तो आप कस्टम भी बना सकते हो। सो मैंने इस वीडियो में बनाए दो शील्ड, एक ये वाला और एक ये वाला, आप बताना आपको कौन सा अच्छा लगा। मुझे तो ये इंडियन फ्लैग वाला बहुत मस्त लगा, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था माइनक्राफ्ट में कुछ ऐसा भी बन सकता है, तो ये बहुत बढ़िया था। सो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर कुछ अधूरा रह गया होगा ना इस वीडियो में जो मैंने कवर नहीं किया, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो सवाल, मैं उसका आंसर दे दूंगा। सो मिलते हैं बाद में, बाय बाय।